ओके अच्छा मूव मोबाइल में भूल ही जाता। अब मेरे को थैंक यू भी नहीं बोला आपने। ओके वेलकम। ओ कहा वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी अब 3 रुपए भी खुले लेके जाओगे इतना जल्दी लेके आया। ये है हमारी ओला S1 Pro Zen 2 भाई। आज पहली बार हम भाई राइड करने वाले हैं, हम ओला ऊबर रैपिडो चलाने वाले हैं भाई। इसमें कितना क्या माइलेज देती है और कितना किलोमीटर चल पाती है और हम कितनी अर्निंग कर लेते हैं, ये है हमारी ओला S1 Pro Zen 2 भाई। गंदी भी हो चुकी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इसको चला लिया है, पर राइड पे तो आज पहली बार लेके आया हूँ मैं। दिन की शुरुआत भाई इस ओला S1 Pro Zen 2 से होने वाली है। इसकी राइड की शुरुआत कर दिया है। कितना बजा है टाइम भाई? 8:37 हुआ है और मैडम की पिकअप लोकेशन पर हम निकल चुके हैं। रैपिडो की फर्स्ट राइड है। उन्होंने डाली थी भाई मानसून मेट्रो स्टेशन की लोकेशन और वो खड़े हैं आतिश मार्केट पर भाई, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा था मैं गेट पे खड़ी हूँ और गेट पे वो दिख रहे नहीं हैं। सुबह पहले बूस्ट का काम और मैडम नहीं मिलेगी तो दिमाग ख़राब हो जाएगा या फिर राइड कैंसिल कर दी गई है क्योंकि पॉकेट में रखा है मोबाइल। नहीं भाई राइड तो कैंसिल नहीं की है, अराइव तो कर देते हैं। ये लो भाई अराइव भी नहीं हो रहा। कहाँ खड़ी है? मैडम को कॉल करना पड़ेगा। अरे बाबा करना पड़ेगा। सिक्योर का तो भाई यही सीन है क्योंकि इनको लोकेशन तो डालना नहीं आती भाई। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं वहाँ खड़ी हूँ, पर फिर भी इनको लेने जाना पड़ेगा। वही है क्या सामने खड़ी है? वही है वही है। मोबाइल चेक कर रही है मैडम। मैडम रैपिडो बुक की थी क्या? ओ टी पी क्या है? 9042। 20 मिनट। ये हेलमेट लगा लीजिए, सर्दी का मौसम है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। ट्रांसपोर्ट नगर चलना है अपन को। किधर? राजा पार्क। अच्छा अच्छा हाँ मतलब लोग हाँ लोकेशन तो वहीं की आ रही है। मारुति सुजुकी है ना? ओ कहा वाह दीदी वाह दीदी नहीं नहीं दीदी वाह दीदी 20 रुपए का बना था क्या पेमेंट? अच्छा ज्यादा का बना था, मैं देखा 20 का ही था आपका। 117 का था। एक बार खुले थोड़ी आपके वाले। अब 3 रुपए भी खुले लेके जाओगे इतना जल्दी लेके आया? ओके मैडम को मैंने ना काफ़ी तेज़ लेके आया था। मैं लेट हो रही हूँ। 60-70 की स्पीड पे लेके आया था। ये राइड तो अपन कर देते हैं कंप्लीट। ये लीजिए 5 स्टार मैडम को दे दिया है भाई। 3 रुपए भी मांगने लग गए। वाह बड़ा मौज कर दी। तो रैपिडो में दिन की भाई सेकंड राइड आ चुकी है और भाई ये है 20 किलोमीटर। कहाँ की है भाई? कहाँ की बताऊँ आपको? जहाँ की होगी वहीं की बताऊँगा। ये है भाई चौकी डाण की, सीतापुरा के आगे। और भाई 20 किलोमीटर की राइड काफ़ी लंबी है और रैपिडो का भी फेयर आपको आप जानते हो भाई, लंबी राइड का फेयर रैपिडो का 1 नंबर आता है। थोड़ी सी चिंता इसी बात की है भाई, वहाँ से क्या है हमें राइड नहीं मिलती है और राइड नहीं मिलेगी, खाली आएंगे तो भाई दिमाग का दही हो जाएगा और वो दही की छाछ करके हमें पीना पड़ेगा, मतलब भाई हमारा घाटा लग जाएगा। वहाँ से भाई देखना पड़ेगा हमें भाई ओला उबर रैपिडो सब चालू कर लेंगे भाई। अभी क्या है राइडर भाई कम चला रहे हैं, सर्दी ज़्यादा होने की वजह से हमेशा बूस्ट रहता है, तो हो सकता है हमें एक राइड भी अगर निकाल लाए तो हमारा भाई अच्छा खासा पेमेंट बना के हम ले आएंगे। और ओला S1 Pro है तो पैसे का मतलब पेट्रोल का तो कोई चिंता नहीं है, बस बिजली जलेगी हमारी थोड़ी बहुत। और भाई इन्होंने फ़ोन कर दिया था, ये लोकेशन पे प्रेजेंट नहीं है। लोकेशन गलत ना निकल आए बाबा, क्योंकि रैपिडो की लोकेशन हमेशा गलत ही निकलती है। अराइव कर देते हैं। और ये है क्या भैया? यही है, इनको लेके चलना पड़ेगा। हाँ हाँ अपनी है भैया। हाँ चेंज कर दी ना। अच्छा एक बार मैंने चौकीदारी तक कराई। हाँ हाँ उससे आगे जाना है। अरे यार आगे तो नहीं हो पाए, आगे लेके तो मेरा पैसे ले लेना इसका। करेंगे पैसा ही पैसा होगा, मस्त प्लान है। पैसे क्या है वहाँ से खाली आना पड़ता है चौकी डानी से भी वापस लेके आ जाना, लेके भी आ जाना। कितना क्या टाइम लगेगा आपको? मेरे को लगेगा 2-3 घंटे लगेगा। अरे यार वो तो बहुत ज्यादा होता है। चौकी डानी से कहाँ चलना है? 12 मील आगे बाटिका अंदर जाना है। अबे यहाँ पे तो ओला में बुकिंग नहीं हो रही, कहीं पे भी बुक नहीं हो रही। अरे यार जैसा बोलो।
थोड़ा वहाँ से क्या है, खाली आना पड़ता है और तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है जैसे और कहीं की होती है। वापस आ जाऊंगा आपके साथ। वापस तो आओगे पर इतना टाइम मैं रुक नहीं सकता ना वहाँ पे, प्रॉब्लम तो वही है ना। देख लो एक बार लोकेशन बताओ यार आपकी। UOT यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। और 31 किलोमीटर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 3 दिन तक है, मैं तो 3 दिन आपसे ही कर लूंगा। ये देखो इसका फेयर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कितना? देखो 30 किलोमीटर 400 रुपये हो जाएंगे आपके, और वो भी ऑफलाइन ही चलना। आना जाना खाली, जाना जाना, जाना जाना। हाँ क्योंकि खाली भी आऊँगा मैं वहाँ से। आना जाना 600 रुपये ले लो। नहीं यार वहाँ पे रुक नहीं सकता मैं, ये है क्योंकि 3-4 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आना जाना 300-300 रुपये में होता है। 300-300 रुपये में हो जाता है, खैर हो जाता है अगर ज़्यादा टाइम नहीं लगता तो। अब ये मान के चलो आप 3 घंटे बता रहे हो, 4 ही घंटे लगेंगे वहाँ पे, क्योंकि मेरा वहाँ बैठना तो ये मतलब बराबर दिन बराबर है क्योंकि हैं। तो ये तो कैंसिल मार दो आप। यार मेरे एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं 20 रुपये। मैं ही कर लेता हूँ, ठीक है आता हूँ मैं बैग लेके। हाँ लियो। चलो भाई अपना तो ओला है और 400 रुपये का काम हो गया, अब कुछ हमें करना नहीं है। 100 रुपये का हमने पहले से कर रखा है रैपिडो में, 500 का काम हो जाएगा। पर भाई यहाँ से है ना काफ़ी खाली आना पड़ेगा हमें। और जी भैया जी को कर दिया है ड्रॉप, 500 की पत्ती ले ली है, 100 उनको वापस दे दिया है। और भाई लोकेशन देखो आप, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब दिखाई तो सब कुछ दे रहा है पर भाई राइड का मामला यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। पॉकेट आज फिर घर पे भूल गए हैं हर बार की तरह। और ये दूध वूध लेके जाते हैं, ये देखो भाई दूर दूर तक कोई राइड का मामला नहीं है, मतलब सारा खाली है। टाइम वेस्ट करना बेकार है, रैपिडो हम चालू करेंगे नहीं क्योंकि भाई ऑफलाइन राइड लेके आए हैं। सूसू सूसू भाई हमें ख़तरनाक लग रही है, पता नहीं आजकल क्यों क्या हो गया है, या तो मेरी टंकी छोटी हो गई है या पानी ज़्यादा हो गया है, इसी कारण भाई हर घंटे में सूसू लग रही है। और भाई इतना जम जाता हूँ, और भाई आज तो जमने का बहुत ज़्यादा माहौल है यहाँ पे। तो भाई अब ये देखो आपको लग रहा होगा भाई मैंने कस्टमर से ज़्यादा ले लिया है, अब मैं यहाँ से 18 किलोमीटर खाली जाऊँगा। 18 किलोमीटर आप भी समझ सकते हैं भाई खाली जाना कितनी बड़ी बात है। और हमारे पास ओला है खैर, पर भाई मजदूरी तो चाहिए होती है, और ये सरसों की खेती और इधर भी खेती, भाई जहाँ तक देख रहा हूँ मैं वहाँ तक मेरे को खेती खेती दिख रही है, इसके अलावा कुछ दिख रहा ही नहीं है। और ये है भैया का सेंटर, भाई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जयपुर से 31 किलोमीटर दूर है। और फर्स्ट टाइम मैं इधर आया हूँ, यहाँ से दूर 3 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, पर गांव जाऊँगा नहीं भाई, क्योंकि गांव अगर चला गया तो घर वाले कहेंगे भाई इतना जल्दी क्यों आया है। और ये देखो खेती, ये खेती किसकी है भाई, गेहूँ की खेती है, या तो जो या गेहूँ, दो चीज़ों की खेती है। और इसी खेती के कारण यहाँ पर ज़्यादा ठंड है, और इस ठंड से हमें निकलना पड़ेगा भाई, क्योंकि वापस हमें रिटर्न भी जाना है और रिटर्न जाके भाई कमाई भी करनी है। यहीं रहेंगे तो भाई कमाई क्या करेंगे, 50% हमारी अभी ओला बची हुई है। और टाइम कितना हुआ है भाई, 10:09, टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है। और अर्निंग तो 400 रुपये की हम कर चुके हैं, 400 रुपये की ये राइड लेके आए हैं, अब धीरे धीरे निकल जाएंगे भाई। ओला उबर रैपिडो भी कुछ चालू नहीं किया है, क्योंकि हमें पता है यहाँ से हमें राइड मिलने वाली नहीं है, हमें यहाँ से कम 8 किलोमीटर निकलना पड़ेगा, उसके बाद में हमारी 2% चांस बनेगी कि हमारे पास में राइड आ जाए, अदरवाइज राइड का कोई सीन नहीं है यहाँ पे। सूसू तो करना पड़ेगा भाई, सूसू सूसू करेंगे कहाँ, सूसू करेंगे यहाँ। आ हा 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 भाई खुले में मजा ही कुछ और आएगा सूसू करने का। चलो भाई कैमरा तो बंद कर देते हैं और हम कर लेते हैं सूसू। यहीं पे है क्या बस पर अंकल जी? ये ओके, अच्छा मोबाइल में भूल ही जाता, अब मेरे को थैंक यू भी नहीं बोला आपने। ओके वेलकम भाई, मैडम को लेके आए थे, मैडम को लेके आए थे भाई 2 किलोमीटर, ये इन्होंने लिफ्ट ली थी। अब भाई 2 किलोमीटर के हम क्या पैसे लेते, और वैसे भी लिफ्ट दी थी तो पैसे लेना तो बनता भी नहीं है। मैडम ने भाई जाते हुए फिर थैंक यू भी नहीं बोला, अरे यार भलाई का कोई ज़माना भी नहीं है भाई, ये ट्रैक्टर मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है ट्र ट्र करके, यार भलाई का कोई ज़माना ही नहीं है भाई, थैंक यू तक नहीं बोला, हमने कहा जब थैंक यू बोला। चलो भाई देर आए दुरुस्त आए, और अब यहाँ से हमें निकलना है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर जाने के बाद में
हमें राइड मिल पाएगी, अदरवाइज राइड का तो कोई चांस नहीं है। आखिरकार 20 किलोमीटर खाली आने के बाद में भाई हम आ चुके हैं 20 किलोमीटर मतलब मानसरोवर में आ चुके हैं। जब जाके हमारे पास में राइड आई है तब तक भाई एक भी राइड नहीं आई। ओला, उबर, रैपिडो, जुगनू, इन ड्राइव और पॉटर ये सब हमने चालू कर लिया था, पर भाई एक में भी राइड नहीं आई है। अब ये राइड आई है रैपिडो में, और ये भी लोकेशन भाई यहाँ की लोकेशन है। चलो करते हैं कॉल ज्योति जी को, ज्योति जी की राइड है। ज्योति जी जाएगी क्या भाई? गुस्सा तब आता है जब कस्टमर है जो बुक कर लेता है और लोकेशन पे अवेलेबल नहीं रहता है। और लड़कियों की तो खास आदत है, जैसा कि मैं हर बार कहता रहता हूँ भाई, लड़कियाँ 5 मिनट पहले बुक करती है, 5 मिनट बाद में आती है, 10 मिनट हमारे ख़राब कर देती है। फ़ोन पे लग रही है मैडम। ओ हो 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 स्टाइलिश। OTP कितना है मैडम? 35-36। मैडम को कर दिया है ड्रॉप, राइड कर देते हैं कंप्लीट 77 के पेमेंट के साथ में, 5 स्टार दे देते हैं। एक ही राइड की ऑफलाइन 400 रुपये की, और रैपिडो में आपको मैं बताऊं शायद मैंने 2 राइड की है, उन 2 राइड का फेयर है 182 रुपीज़। और ऊबर में भी राइड नहीं, ओला में भी, किसी में भी नहीं है, बस आज 2 रैपिडो में ऑनलाइन की है और एक ऑफलाइन की है 400 रुपये की। घर से निकले थे भाई 8:34 पे और 12:19 हो चुका है अभी, तो ऑलमोस्ट अपन को भाई कितना घंटा हो गया है, 4 घंटे में कुछ मिनट्स बाकी है, मतलब 20 मिनट बाकी है 4 घंटे में। तो अपना हुआ है ऑफलाइन में भाई 400 रुपये की एक राइड, जैसा कि आपने वीडियो देखा है, और 2 राइड रैपिडो में है 187 की, तो टोटल मिला के हमारा हो जाता है भाई 587 रुपये। 71 किलोमीटर हमने आज ट्रैवल किया है, 587 रुपये की अपनी अर्निंग हुई है। वो पेट्रोल भी अगर लगाएं तो भाई 140 रुपये का पेट्रोल है, बाकी जो बचती है वो अपनी अर्निंग है। तो अपना तो इसमें पेट्रोल जला नहीं है, अब आप पेट्रोल वाली बाइक चलाते हो तो उसके अकॉर्डिंग भाई फिर भी अच्छा खासा बच जाता है 4.5 घंटे में। आज का अभियान ख़त्म करते हैं यहीं पे और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जाते जाते एक लाइक ज़रूर ठोक जाना, क्योंकि भाई इसी की उम्मीद आपसे लगी है हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय एंड टेक केयर।